बहुत समय पहले की बात है, अमर और उसके पिताजी कार में बैठकर जंगल की सैर करने जा रहे थे। तभी अचानक से एक तूफान आया और उनकी कार का एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के साथ अमर के पिताजी कार में बेहोश हो जाते हैं और अमर कार से दूर निकलकर गिरकर बेहोश हो जाता है। अमर, मेरा बेटा, अमर, अमर कहाँ चला गया? मेरा अमर, मेरा अमर, अमर कहाँ हो तुम बेटा? अमर को ढूंढते ढूंढते अमर के पिताजी को रात हो जाती है, पर उन्हें अमर कहीं नहीं मिलता। फिर अमर के पिताजी थक हार कर अपने घर चले जाते हैं। अमर के ना मिलने के कारण अमर के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उधर अमर को जब होश आता है तो वो अपने सामने शेर को देखकर डर जाता है। बचाओ, बचाओ! शेर अमर को खींच कर ले जा रहा था। अमर शेर को देखकर फिर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक हाथी आता है और वो शेर से अमर को बचा लेता है। शेर अमर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। हाथी अमर को नदी किनारे ले जाकर उस पर अपने सूंड से पानी डालता है। तभी अमर को होश आ जाता है। तुमने मेरी जान बचाई, हाथी सिर हिलाते हुए कहता है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। फिर हाथी अमर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे उसके पिताजी के पास ले जाता है। उधर अमर के ना मिलने के कारण अमर के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी अमर के पिताजी उसे अपने सामने देखते हैं। अमर, अमर, तू आ गया, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अमर, मेरा बेटा, तू कैसा है? तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा पर तू मुझे कहीं नहीं मिला। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस हाथी ने शेर से बचाया। स्वयं भगवान ने इन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। ये भगवान गणेश के अवतार हैं। तुम इनका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे बाद यही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ बेटा, अब से ये ही तेरे साथी हैं। हाथी तेरा साथी। इतना कहते ही अमर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर अमर धीरे धीरे अपने रामू हाथी के साथ बड़ा होने लग जाता है। हाथी अमर का पूरा ध्यान रखता था। अमर भी अपने हाथी रामू के बगैर एक पल भी अकेला नहीं रहता था। फिर एक दिन जब अमर अपने साथियों के साथ खेल रहा था तो अमर की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है, इस पर तो मेरा दिल आ गया। रामू, आज तुम्हें इतने ही खाने से काम चलाना होगा। अमर नौकर की ये बात सुन लेता है तो अमर नौकर से कहता है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, हाथियों के लिए खाना नहीं है? तुम्हें पता है ना, इन्हें भी उतनी ही भूख लगती है, इनमें भी जान है। मैं भूखा रह सकता हूँ पर मैं अपने हाथियों को भूखा नहीं रख सकता। मालिक, मुंशी जी ने इतना ही राशन दिया था जो मैंने इन हाथियों को खिला दिया। अमर मुंशी जी के पास जाकर मुंशी से राशन कम देने का कारण पूछता है। मुंशी जी, आपने मेरे हाथियों के खाने के लिए कम राशन क्यों दिया? अब तुम्हें क्या बताऊं अमर, तुम्हें तो पता ही है अमर, इतना कर्जा हो गया है कि अब बिल्कुल भी खजाने में पैसे नहीं बचे। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर अपने जान से प्यारे हाथी रामू को भूखा नहीं रख सकता। चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथी रामू के लिए कुछ भी करना पड़े। अमर फिर साहूकार के पास कर्जा मांगने जाता है। साहूकार जी, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। बड़ी कर्जा तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर ब्याज पहले से दोगुना लूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे ही मैं तुम्हारा सूद समेत सारा पैसा भी लौटा दूंगा। अमर साहूकार से पैसे लेकर हाथियों के लिए बहुत सारा खाना लाकर उन्हें खाना खिलाता है। अमर अपने हाथियों को खाना खाते देख बड़ा खुश होता है और वो गाना गाता है। हाथी मेरे साथी, सबसे प्यारा साथी,
हाथी मेरे साथी, सबसे प्यारा साथी। फिर एक दिन अमर को पता चलता है कि उसके गांव में हाथियों की प्रतियोगिता हो रही है। अमर अपने हाथियों को दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल करता है। उस प्रतियोगिता में अमर का हाथी रामू जीत जाता है। अमर रामू को देखकर बड़ा खुश होता है। शाबाश रामू, शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम, तुम्हारे लिए केले। उसी दौड़ में महेश नाम के आदमी का हाथी हार जाता है, जिसकी वजह से महेश को अमर से जलन होने लगती है। फिर एक दिन महेश अमर के पास रामू का सौदा करने जाता है। ये हाथी नहीं है, ये मेरी जान है, रामू मेरी जिंदगी है। तुम मेरी जिंदगी को खरीदना चाहते हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सोच लो, तुम्हें रामू के बदले मुंह मांगी कीमत मिलेगी। चाहे तुम मुझे हीरे मोती क्यों ना लाकर दो, दुनिया की सारी दौलत भी लाकर दोगे ना, तब भी मैं मेरे रामू को नहीं बेचूंगा। एक बार फिर सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। निकल जाओ मेरे घर से और फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। अमर गुस्से में महेश को अपने घर से निकाल देता है। अमर के पास जो कुछ था महेश चालाकी से सब छीन लेता है। अब अमर के पास कुछ नहीं बचा था। अमर दुखी होकर अपने हाथी रामू को लेकर शहर काम की तलाश में चला जाता है, पर अमर को वहाँ कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन भूखे रहने की वजह से अमर की तबीयत बिगड़ जाती है। अमर की ऐसी हालत देखकर अमर का हाथी एक डॉक्टर को बुला लाता है और वो डॉक्टर अमर का चेकअप करता है। अरे बाबा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तुम्हें तो अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने हाथी रामू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वैसे तुम्हारा हाथी है बहुत समझदार। अमर की बात सुनकर हाथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अमर को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही अमर की तबीयत ठीक होती है तो अमर अपने हाथी के साथ काम की तलाश में जा रहा होता है, तो अमर देखता है कि एक आदमी बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा है। वो आदमी अपने बंदर बंदरिया से नाच दिखाने के लिए कहता है। नाच के दिखा पब्लिक को, तुझे पैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। यहाँ का दर्दान, तुझे कैसा मिलेगा। अरे नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तुझे पैसा मिलेगा। देखते ही देखते उस मदारी को खेल देखने वाले सभी आदमी पैसे देते हैं। ये देखकर अमर हाथी रामू के साथ सड़क पर खेल दिखाने लगता है। रामू खड़े हो जाओ, रामू नाच कर दिखाओ, जरा घूम कर दिखाओ। अमर रामू हाथी का खेल दिखाते दिखाते जल्दी ही बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और वो एक छोटा सा चिड़ियाघर बना देता है, जिसमें लोग टिकट लेकर उसके जानवर को देखने आते थे। फिर एक दिन अमर की प्रेमिका टीना आ जाती है और वो अमर से शादी करने के लिए कहती है। अमर, तुम कब मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर अमर टीना के साथ शादी कर टीना को अपने घर ले आता है। टीना भी अमर के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी बिता रही थी। फिर कुछ दिनों बाद टीना गर्भवती हो जाती है। इसी तरह अमर अपनी पत्नी टीना के साथ बड़ा खुश था, लेकिन कुछ दिनों से अमर के दुश्मन महेश के आने की वजह से मंदा पड़ गया था, जिसकी वजह से अमर परेशान रहने लगा। फिर एक दिन अमर के दिमाग में ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने काम में एक खतरनाक खेल करूं? शायद मेरे खतरनाक खेल की वजह से दोबारा लोग आने लगे। फिर अमर एक खतरनाक खेल खेलने लगा। अमर एक बहुत ऊंचाई पर चढ़कर अपने कपड़ों में आग लगाकर पानी में छलांग लगा देता है। अमर की छलांग लगाते ही लोगों की तालियां बजने लगती हैं और देखते ही देखते अमर का खेल देखने फिर से लोग आने लगे। फिर कुछ दिनों बाद टीना एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अमर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। मेरा राजा बेटा, देख कौन कौन तुझे देखने आया है। अमर अपने बेटे को अपने साथी रामू हाथी को दिखाता है। रामू देखो, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अमर का हाथी रामू अमर के बेटे के साथ खेलता था। कभी रामू अमर के बेटे को झूला झुलाता तो कभी उसे अपनी सूंड से बोतल पकड़कर दूध पिलाता, तो कभी रामू अमर के बेटे के साथ खिलौनों के साथ खेलता। रामू अमर के बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद अमर का बेटा जब 1 साल का था
तो वो खेलते खेलते स्विमिंग पूल में गिर जाता है। ये सब रामू दूर खड़ा देख रहा होता है। रामू दौड़ कर जाता है और अमर को बचा लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में ही टीना आ जाती है। रामू की सूंड में अपने बेटे को देखकर टीना बहुत बुरी तरह डर जाती है। मेरे बच्चे, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई जल्दी से इस हाथी से मेरे बेटे की जान बचाओ। टीना जल्दी से हाथी की सूंड से अपने बेटे को ले लेती है। टीना रामू की सूंड में अपने बेटे को देखकर रामू को गलत समझ बैठती है। टीना को लगता है कि रामू उसके बेटे को मारना चाहता है। फिर टीना रामू के बारे में अमर को बताती है। तुम्हें पता है, आज तुम्हारा ये रामू हाथी मेरे बच्चे की जान लेने वाला था। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं समय पर वहाँ पहुँच गई। नहीं, मेरा रामू ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे रामू ने कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। और रामू तो मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखता है। तुम मेरे रामू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? या तो इस घर में तुम्हारा हाथी रहेगा या मैं। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं अपने रामू को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रामू के बगैर एक पल के लिए अलग नहीं हो सकता। रामू मेरी जान है। तो ठीक है, तुम रहो अपने रामू के साथ। फिर टीना गुस्से में अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अमर को ना चाहते हुए भी रामू को जंजीरों से बांधना पड़ता है। रामू मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मुझे तुम भी प्यारे हो और मेरा बेटा भी। रामू मन ही मन अमर से कहता है। मैं सब समझता हूँ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक रात घर के लोग जब सोए हुए थे, तब एक सांप न जाने कहाँ से आकर टीना के कमरे में जा रहा होता है। सांप को टीना के कमरे में जाता देख रामू जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। तभी टीना की भी आंख खुल जाती है। टीना सांप को देखकर मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचाओ मेरे बेटे को। जैसे ही सांप टीना के बेटे को काटने वाला होता है, तो इतने में ही रामू अपने पैर में बंधी जंजीरें तोड़कर सांप को अपने पैर से कुचलकर टीना के बेटे को बचा लेता है। ये देखकर टीना घबरा जाती है और वो अपने बेटे को उठाकर गले लगा लेती है और बहुत रोती है। मेरे बेटे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? शोर की आवाज सुनकर अमर भी वहां आ पहुंचता है। सांप को कुचला पड़ा देखकर अमर सब समझ जाता है। फिर टीना भी अमर को सब बताती है। आज रामू ना होता तो मेरा बेटा मर क्या होता। मैं रामू को गलत समझती रही। रामू, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तुम तो मेरे अपने हो। देखा तुमने, जानवर भी किसी इंसान से कम नहीं होते।